सेशन स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है या और जूम करना है? नाउ दिसत है सगळ्यांना? पार्ट वन में आपका क्या आउटकम रहेगा ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पार्ट वन बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स, बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको यहाँ पे अचीव करने होंगे। यानी कि ये करने के बाद जो बेसिक प्रोग्राम्स है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ या जो भी ऑनलाइन टेस्ट होती है आपके इंटरव्यू के लिए, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पहला पॉइंट जो कि हमें क्या क्या सीखना है यहाँ पे, पहला है वेरिएबल कॉन्स्टेंट, दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका डेटा टाइप, तीसरा रहेगा ऑपरेटर, फोर्थ जो रहेगा, फोर्थ वाला जो रहेगा आपका ये टॉपिक रहेगा स्टेटमेंट। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग। ये पार्ट होने के बाद आपकी एक टेस्ट होगी, मशीन टेस्ट बैठने के बाद आपको सिर्फ बेसिक नॉर्मल ये पता करना पड़ेगा कि नॉर्मल एकदम सिंपल जो सीखा है उस पे, कि आपको एटलीस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको चाय बनानी है तो गलती से आप नमक मिर्च ना डाल दे, ये चेक करना है आपका कि सही जगह पे सही आप लोग स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ये आपका स्किल चेक किया जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसे समझ में नहीं आएगा उसके लिए स्पेशली रिपीट किया जाएगा, कोई भी हो उन लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। बाकी जो लोगों को आ रहा है उनको बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे, जिनको नहीं जमेगा उनको वापस से वो सारे चैप्टर जो है रिवाइज करा देंगे। सैटरडे संडे जो भी मतलब बाकी लोगों को छुट्टी जिस दिन रहेगी उनका स्पेशल क्लास रहेगा, उनको वहां तक लेके आ जाएंगे। बट 10 में से एक बड़ी मुश्किल से होता है, होता ही नहीं कोई मतलब ऐसा रिपीटर वाला, बट फिर भी अगर है तो। हमारा एम ये है कि आपको बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने आना चाहिए पार्ट वन में। पार्ट वन में आपका दूसरा जो रहेगा ये तो जावा के रिगार्डिंग है, प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग है। आपको सेम पैरेलली HTML स्टार्ट किया जाएगा आपका, यानी कि ये जो लेवल रहेगा ये लेवल में आपको जो बेसिक फॉर्म होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको बनाना आ जाएगा। तो ये हम लोग एक साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्हें जॉब करना है और जिन्हें इंटर्नशिप की जरूरत है, दोनों कैटेगरी के हैं। तो जॉब और इंटर्नशिप आपको तभी मिल सकता है जब आप कुछ बना सकोगे। नॉर्मल जो बेसिक प्रोग्राम करते हैं उसे आप सॉफ्टवेयर बनाना नहीं कहते हो, रियल टाइम कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, छोटा होगा तो भी चलेगा। ये बनाने के लिए आप लोगों को ये बेसिक और ये स्टार्ट किया जाएगा पार्ट वन में। पार्ट वन में अच्छे तरीके से उसे डिजाइन करने के लिए एंड CSS, ये दोनों, ये बहुत ही सिंपल है। ये बैकएंड का पार्ट है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऊपर वाला जो पार्ट है ये बैकएंड में आ जाता है, ये जो पार्ट है ये बैकएंड में आ जाएगा और ये दूसरा जो रहेगा ये आएगा फ्रंट एंड में। दोनों एक साथ आपका किया जाएगा प्रश्न, ठीक है। सो ये बैच नेक्स्ट 2 या 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। एक मिनट, स्वप्निल वर्षा वादा आवाज है तो एक कंफर्म करा? यस सर, यू आर ऑडिबल। यस, स्क्रीन दिसत है? यस सर। ओके गुड, सो क्लियर आहे तुम्हाला की आपल्याला काय करायचंय नेमकं? फर्स्ट पार्ट मध्ये
एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक फीचर जो होगा ना वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि काम अगर आपको आएगा तो कोई भी आपको ज्वाइनिंग करा लेगा, काम नहीं आएगा तो आप बिन काम के ही रहोगे। चाहे आप फिर 10-10 हज़ार लाइन का कोड भी लिखोगे ना तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, जो एक्चुअल काम के लिए चाहिए वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, नाउ जसं मृणाला आहे, मृणाला वेळ जर असेल तर तिला लाईव्ह प्रोजेक्टवर काम करायला दिलं जाईल। लाइव प्रोजेक्ट यानी फॉर एग्जाम्पल पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे, सिंपल रहता है, बहुत सिंपल, और आपको गाइड करेंगे कितने भी मिस्टेक हो जाए आपको, तब तक जब तक कि आप खुद के पैर पे खड़े रह के मैन्युअली आप अकेले नहीं करोगे तब तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि ये अगर सपोज इसको एक ही दिन में समझ में आया तो ठीक है, किसी और को सपोज 10 दिन भी लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन काम आना चाहिए। ये करने वाले आप रियल टाइम पे सीख के छोड़ने वाले नहीं है, सीखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, इंटर्नशिप करनी है आपको। सो रियल काम आएगा तो कंपनी में भी जाने के बाद बोलेगा ये तो मैंने पहले से कर लिया है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और इसके लिए आपको सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होगा। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट से, आज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिन्होंने दो लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस नहीं सीखा है, जैसे कि इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपैरिजन, उनके लिए मैं एक बार वापस से क्विक रिकैप दे देता हूँ एकदम फास्टली। सो क्विक रिकैप मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये हमारा 1 वीक का प्लान है, 1 वीक का ये वाला जो है, ये 1 वीक का प्लान है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये सीखने के लिए सबको ये जो डिफरेंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये पता होना जरूरी है, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z अल्फाबेट होते हैं, बराबर ना, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी A to Z अल्फाबेट होते हैं, उसे हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ABCD एक साथ जोड़ देते हैं और इसमें नंबर भी होते हैं, 0 to 9 नंबर भी होते हैं, सेम यहाँ पे भी 0 to 9 जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर होते हैं। देन उसके बाद कुछ सिंबल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, तो दिखते हैं ना, हाँ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इसे यहाँ पे स्पेशल सिंबल कहते हैं, बराबर ना मुन्ना, अपन शिकलो तो कहे, गुड। यहाँ पे भी वही सिंबल होते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ऑपरेटर। ये जो सिंबल है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है बस, ये जो है प्लस माइनस, ये इसे कहते हैं ऑपरेटर। देन ये जो वर्ड, ये जो एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्रिएट होता है वर्ड, और यहाँ पे जो कंबाइन करने के बाद क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, या स्लैश भी दे देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट। फिर मल्टीपल वर्ड जहां पे एक साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक साथ लेंगे तो वो होगा पैराग्राफ, और यहाँ पे बनेगा आपका मेथड, या जिसे आप फंक्शन भी कहते हैं। मल्टीपल पैराग्राफ का बनेगा एक पेज, यहाँ पे बनेगा आपका क्लास, मल्टीपल पेजेस का बनेगा एक आपका लेसन, और यहाँ पे बनेगा मल्टीपल क्लासेस का जो बनेगा वो बनेगा पैकेज, और मल्टीपल लेसन्स का बनेगा बुक या एक सब्जेक्ट, और मल्टीपल पैकेज का बनेगा यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर। तो पहले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे वेरिएबल, ऑपरेटर, स्टेटमेंट एंड एडिशनली डेटा टाइप, डेटा टाइप अलग अलग तरह का डेटा होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कैरेक्टर होता है, नंबर होता है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, शुरुआत जो है हम लोग करेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप। आज हम दो जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में जानेंगे।
आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेरिएबल एंड डेटा टाइप। वेरिएबल एंड डेटा टाइप। ओके, वेरिएबल का मीनिंग क्या है, डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या है, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग तरह की कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोस्टली करके दो कैटेगरी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कितने कितनी प्रकार चाहे है? दो प्रकार। ओके ग्रेट, दो। पहली जी आहे ती कोणती आहे? स्ट्रॉंगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्ड। दूसरी जी आहे ती कुठली आहे? वीकली। वीक, मे बी द टाइपो इज देयर बट डोंट वरी, टाइप। स्ट्रॉंगली टाइप का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। पेंट स्क्रीन दिसत है वर्षा स्वप्निल? यस सर, इट इज विजिबल। या दैट इज ग्रेट। ठीक है, जब भी आप कोई प्रोग्राम में डेटा अगर स्टोर करना है, प्रोग्राम जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं, डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए। क्या करना है हमें? डेटा पे ऑपरेशन करना है, प्रोसेस करना है, और कंप्यूटर उसी डेटा पे प्रोसेस करता है जो मेरे जेब में है। मजा खिसत है त्यावर तो काम करता है। बरोबर का? हाँ स्वप्निल। यस सर। माझ्या खिशातल्या डेटावर काम करेल का तो? नाही नाही। क्या लगता है, मेरे जेब में जो डेटा है उस पे काम करेगा क्या? आदित्य, निखिल? हा, माझ्या खिशातल्या डेटावर काम करेल का तो? काय अनुजा, हो कि नाही ते सांगा। माझ्या खिशामध्ये डेटा आहे भरलेला मी आता असा आणला, काम करेल का हा? नो, ऑब्विसली नो। डेटा उसी कंप्यूटर उसी डेटा पे काम करता है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर किया गया होता है। अभी आपने हार्ड डिस्क पे भी अगर कोई डेटा स्टोर किया है ना, उस पे भी काम नहीं करेगा, वो हार्ड डिस्क का डेटा लेके आना पड़ेगा रैम में। मेरे जेब का तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। ठीक है, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो वो डेटा आप खुद स्टोर करते हो रैम में, प्रोग्राम लिखते टाइम पे। तो कैसे स्टोर करते हो आप? तो मान लो ये आपकी एक रैम है, ये देखो ऐसी एक रैम है बड़ी सी, 4GB 2GB जो भी है, आप जहां पे डेटा स्टोर करते हो ना, ऐसे यहाँ पे ये ब्लॉक पे डेटा आपने स्टोर किया है, सपोज ये डेटा स्टोर किया है, डेटा क्या है 100 है। ये लोकेशन को आप कुछ नाम देते हो आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि लेट्स सी ये आपकी सैलरी है, ये आपकी सैलरी है सपोज, इसको कुछ नाम दे दिया। ठीक है, इसे कुछ नाम दे दिया आपने, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओप्स, थोड़ा बड़ा हो जावे, कम ऑन। ये साथ नहीं देगा। ये जो नाम होता है आपने मेमोरी में यहाँ पे डेटा स्टोर कर दिया है, ये 100 डेटा है या जो भी डेटा है, ठीक है, मेमोरी में स्टोर करोगे, प्रोग्राम कैसे करोगे ये तो मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो डेटा होता है मेमोरी में, जो डेटा स्टोर करते हैं, इस डेटा को क्या कहा जाता है? इस डेटा को कहा जाता है कॉन्स्टेंट। मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंट। बरोबर, और जहां पे मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया वो हमें प्रोग्राम में यूज करना है, उसे कुछ तो नाम दिया, वो लोकेशन को जहां पे डेटा स्टोर किया है उसे कुछ तो नाम दे दिया है, नेम। उस नाम को क्या कहते हैं? वेरिएबल।
जो नाम होता है उसे क्या कहा जाता है? वेरिएबल। क्लियर है आपको? ओके गुड। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको मैं बता देता हूं इसके रिगार्डिंग। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर मान लो इसे मैंने यहाँ पे टीटी डाल दिया और ये दोनों का मुझे एडिशन करना है जी वेरिएबल में, मानो जी या टोटल सैलरी, ठीक है, मैं उसको नाम वेरिएबल का नाम देता हूँ टोटल, टोटल सैलरी और ये जो है ये बोनस है, बोनस की अमाउंट है, बोनस अमाउंट। अभी बोनस की अमाउंट ये कितनी दिखाई दे रही है आपको? ये अमाउंट है क्या? तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आपको बोनस अमाउंट नंबर में लेना है तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे नंबर ही स्टोर हो, दूसरी वैल्यू को वो अलाउड नहीं करेगा, दूसरी वैल्यू को वो क्या करेगा, मेमोरी में अलाउड ही नहीं करेगा। उसे कहा जाता है डेटा टाइप, उसे कहा जाता है स्ट्रॉन्गली टाइप। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होना चाहिए ये पहले से ही डेवलपर डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं वही दिखा रहा हूं आपको, बोनस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी, सैलरी इक्वल टू 10,000, बोनस इक्वल टू टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। अभी आपको ये पता होना चाहिए, ये टीटी का तो कुछ मतलब है ही नहीं, क्या ऐड करेगा वो। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी होती है कि इसके पहले आप इसमें कौन से टाइप का डेटा देना है, तो आप यहाँ पे लिखते हो नंबर और यहाँ पे भी लिखते हो नंबर, तो यहाँ पे आप टीटी जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपलसरी क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे क्या देना पड़ेगा, नंबर ही वैल्यू देनी पड़ेगी, न्यूमरिक वैल्यू ही देनी पड़ेगी, ऐसी वैल्यू लेगी नहीं। तो जो ये वेरिएबल में रिस्ट्रिक्ट करता है कि यही टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है, उस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्गली टाइप। मतलब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, डेवलपर डिसाइड करेगा, तो बाद में जाके इश्यू नहीं होगा। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके नाम जो है क्या क्या नाम है, C++, जावा, C#, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये स्ट्रिक्टली टाइप है। मतलब आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ता है क्या स्टोर करना है। जो वीकली या लूजली कपल्ड या टाइप लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इसमें आपको कोई भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसे कि सैलरी आपने लिखा है और अगर इसके लिखा है तो ये पाइथन क्या करता है, अरे ये तो नंबर है, ऑटोमेटिकली इसे किस में कन्वर्ट करता है, नंबर में। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा बोनस इक्वल टू टीटीटीटी, तो ये क्या समझता है पाइथन, ये पाइथन समझता है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, कैरेक्टर है, तो उसे ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है आपका, जब आप टोटल करने जाते हो सैलरी प्लस बोनस, तो यहाँ पे वो एरर दे देता है रन टाइम पे। मतलब आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसके बाद एरर आएगा, पहले कुछ नहीं देगा। तो इसी कारण जो लूजली या वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो फाइनेंशियल, जहाँ पे बैंकिंग डोमेन होते हैं वहां पे ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। ये एरर कब देता है पता है, ये एरर प्रोग्राम रन होने के बाद एरर देता है, ये पाइथन जावास्क्रिप्ट जो भी है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रॉन्गली टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्राम को रन ही नहीं करने देते, उधर ही मतलब रन ही नहीं होगा, उधर ही एरर आ जाएगा तुरंत की ये अलाउड नहीं है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर प्रोग्राम करने जाओगे तो आपको तुरंत पता चलेगा।
लेकिन पाइथन में ऐसा एरर नहीं देगा, रन होने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ तो खराब हो गया है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। जहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जहां पे रिस्क होती है, पेमेंट होता है, वहां पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यही टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पे सिर्फ डेटा पे कुछ कैलकुलेशन करना है, डेटा निकालना है, मशीन लर्निंग, वहां पे पाइथन चल सकती है, वहां पे वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ रिस्क नहीं है, डेटा निकालना है, मैनिपुलेट करना है, तो वहां पे आप पाइथन यूज कर सकते हैं, बट सेफ में नहीं कर सकते। तो ये था अपना, ये जो था ये स्ट्रॉन्गली टाइप और वीकली टाइप का डिफरेंस। अभी इसमें ना आप स्ट्रॉन्गली टाइप में कंपलसरी आपको जो है डेटा टाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप कब आपको इस्तेमाल करना है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे अभी हम लोग डेटा टाइप के बारे में जानते हैं। तो आज आपने जो सीखा है, सबसे पहले है वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में एक बार इसकी साइज जो है ये 28 कर देता हूं मैं, दिख रहा है ना? हाँ, वेरिएबल मतलब क्या है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन वेयर वेयर वी स्टोर डेटा, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द डेटा, मतलब जो वैल्यू थी उसे कॉन्स्टेंट कहेंगे। डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जावा सी सी प्लस प्लस एक स्ट्रॉन्गली टाइप है, और आपको अलग अलग तरह का डेटा टाइप पे काम करना है। अलग अलग तरह प्रोग्रामिंग में कौन से होते हैं ये अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो कौन से है इसमें, तो ये अभी हम लोग चेक कर लेते हैं सिंपली क्विकेस्ट। यहाँ पे डेटा टाइप है आपका, इसमें दो कैटेगरी के डेटा टाइप होते हैं। कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? कितनी अनुजा मुरुद में कितनी टाइप से है डेटा टाइप, कितनी कैटेगरी है? वर्षा कितनी टाइप से डेटा टाइप आया था आपके? दोन। पहला जो डेटा टाइप आहे तो आहे प्रिमिटिव, आणि दूसरा कोणती कैटेगरी आहे? तर दूसरी कैटेगरी जी आहे ती आहे नॉन प्रिमिटिव। किती कैटेगरी आहे डेटा टाइप चा आदित्य? कुठले विनोद? हाँ, अभी प्रिमिटिव मतलब क्या है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, बिल्ट इन है, जिसकी साइज चेंज नहीं हो सकती और उसमें क्या स्टोर करना है वो भी चेंज नहीं हो सकता। कौन से है तो वो देख लेते हैं। इसमें भी दो टाइप आते हैं, पहला है न्यूमरिक और दूसरा है नॉन न्यूमरिक, ठीक है। न्यूमरिक जो कि नंबर है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं? इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूं। बाइट भी इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी स्टोर कर सकते हैं? 127। शॉर्ट में हम लोग क्या मैक्सिमम जो है आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, मैं इसकी साइज आपको निकालने वाला एक फॉर्मूला बता दूंगा। इंट में भी ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इनकी साइज ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा नंबर स्टोर कर सकते हो ऐसे मैक्सिमम, मतलब ये सबसे छोटा उससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैल्यू स्टोर करोगे। देन लॉन्ग में भी, हाँ नहीं, बाइट का नहीं, वेरिएबल तो नाव आहे तुझ्या, काय पण शोध कुठले मी जस्ट सिंपल दिलेला आहे।
ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू इससे इंट से ज्यादा साइज है इसकी तो ज्यादा रख सकते हो, ऐसे डबल में इस तरह से वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो 2.2। फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करना है आपको, डबल नहीं कैपेसिटी आहे, दे तुम्ही त्याची कॅपॅसिटी किती आहे, मिनिमम आणि मॅक्सिमम कसं काढायचं, मतलब कौन सा डेटा टाइप का मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है आप लिख के ले लेना, उससे ज्यादा अगर डालोगे तो एरर देगा। फ्लोट कैसा मध्ये येतो वो भी चेक करेंगे। नॉन न्यूमेरिक मतलब, नॉन न्यूमेरिक का मतलब होता है कैरेक्टर, जैसे कि डिवीजन पकड़ लेते हैं इक्वल टू, सिंगल कोट में ही इसे लिखा जाता है ए, फक्त एकच सिंगल कैरेक्टर असला पाहिजे, सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर नहीं। देन दूसरा कौन सा है आपका, बुलियन। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है बुलियन, जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स ही स्टोर कर सकते हैं, दूसरा कुछ होगा क्या, नहीं। तो प्रिमिटिव में क्या क्या है, न्यूमरिक में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर एंड बुलियन। जब आपको ट्रू या फॉल्स इस्तेमाल करना है तो कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, और जब सिंगल कैरेक्टर यूज करना हो तो, हाँ कैरेक्टर। अभी अगर आपको, आपको पूरा नाम अगर स्टोर करना है, पूरा नाम या पूरी लाइन या पूरा पैराग्राफ, तो नॉन प्रिमिटिव में आपके पास इस्तेमाल करना है आपको क्या, ठीक है बस, ये आपके डेटा टाइप्स है। चलो अब बताओ नॉन न्यूमेरिक में क्या क्या है। यस, न्यूमेरिक में इतने एक साथ क्यों लिए गए हैं, क्योंकि बाइट छोटा है, शॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा है, इंट उससे बड़ा है, लॉन्ग उससे बड़ा, और सबसे बड़ा डबल है, इसकी साइज है, बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है, लॉन्ग जो है 8 बाइट का होता है, डबल भी क्या होता है 8 बाइट का, मतलब अगर जहां पे आपने डबल ले लिया तो वो आपकी मेमोरी कितनी बाइट लेगा, 8 बाइट, 8 बाइट लेगा वो। अगर आपका डेटा छोटा है, आप 1 बाइट पे काम चलाना है आपको, तो बाइट ले लो, आपको 2 बाइट की साइज मेमोरी चाहिए तो क्या लेंगे, शॉर्ट, 4 बाइट का लेना है तो कौन सा, इंट, अगर 8 बाइट लेना है मेमोरी का स्पेस तो कितना, लॉन्ग। ये आप नोटबुक पे लिख लेना, ठीक है। अभी हम लोग प्रोग्राम करेंगे कि ये सारा स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बुलियन, ये सारा स्टोर करके डिस्प्ले कर देंगे, और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है उसका भी एक प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटेलिजे ओपन कर लो। हेलो सर। सर हाँ बोल ना स्वप्नील। तो फ्लोट कशा मध्ये येतो, मग याच्यामध्येच येतं फ्लोट, ऍड्रेस स्टोअर करण्यासाठी न्यूमरिक मध्येच टाकतो आपण त्याला फ्लोटला, रेअरली युज करतो आपण त्याला, फ्लोट मध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने युज करावं लागतात, जसे की 25 F, असं मेमरी ऍड्रेस, ओके ये क्लियर है तुम्हाला कि डेटा टाइप, सबसे पहले क्वेश्चन, डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, स्ट्रॉन्गली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही डेटा टाइप का इस्तेमाल करती है, ठीक है। कितनी टाइप से डेटा टाइप आए आदित्य, 2, प्रिमिटिव जो कि बिल्ट इन आते हैं, और नॉन प्रिमिटिव मतलब हम लोग बनाएंगे, जिसकी साइज हम डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, जो आगे हम लोग सीखने वाले हैं। आज के लिए प्रिमिटिव हमने सीखा है, प्रिमिटिव में न्यूमरिक जो नंबर वाले जो होंगे, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, इंट, डबल, लॉन्ग, ये नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर और बुलियन, जो कि ट्रू और फॉल्स। ये क्लियर होता है मृदमयी की, म्हणजे कोणता डेटा टाइप काय करतो, काही डाउट आहे त्याच्यामध्ये,
काही जर असेल तर विचारायचं. विनोद, निखिल, तुमचा काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? वर्षा, काय विचारायचं आहे? नो सर. क्लिअर आहे ना? येस सर. ओके गुड. हा जेट ब्रेन्स तुम्ही तुमच्या सिस्टीमवर टाका. मी हा जो प्रोग्राम आहे हा प्रोग्राम इथेही लिहू शकतो, जसं की पब्लिक क्लास डेटा टाइप एक्झाम्पल, त्याला ओपन होऊ देऊया. आणि मॅन्युअली तुम्हाला माहितच आहे की प्रोग्राम लिहिण्यासाठी पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मेहनत करावी लागेल असं प्रोग्राम लिहायला. जेट ब्रेन्स मध्ये तसं करायची गरज आहे का? इंटेलिजे मध्ये मेन लिहिलं की सगळं ऑटोमॅटिकली येत. ओपन होतोय तो, इथपर्यंत झाला. आता चेक करूया याला. टाइप करणं होईल माझं तोपर्यंत आय गेस. हा कोणते कोणते टाइप आहेत बघा इथे. मला बाईट घ्यायचं आहे ना अजून. न्यूमरिक वाले सांगा मला कोणते कोणते आहेत. न्यूमरिक वाले पहिला आहे बाईट, बरोबर. बाईट व्हेरिएबलचं नाव. आणि अजून एक गोष्ट शिकवायची राहिली आहे की व्हेरिएबलचे टाइप्स काय आहेत. व्हेरिएबलचं नाव जे तुम्ही व्हेरिएबल आहे तुम्ही मिस्टेक करता व्हेरिएबलच्या नावामध्ये. व्हेरिएबलचं नाव कॅमेल केसमध्ये असलं पाहिजे. व्हेरिएबलचं नाव कोणत्या केसमध्ये असलं पाहिजे? कॅमेल केसमध्येच असलं पाहिजे. कॅमेल केस म्हणजे काय? फर्स्ट लेटर जे आहे कुठल्याही वर्डचं ते सुरुवात होणार लोअर केसने. जसं की आता मला रोल नंबर द्यायचा असेल तर रोल, आणि नेक्स्ट वर्ड जो चालू होईल तुमचा जो नंबर आहे त्याचं कॅपिटल द्यायचं तुम्हाला असं. आणि मध्ये स्पेस नसला पाहिजे. व्हाईट स्पेस द्यायचा का मध्ये? नाही, असं नाही करायचं. रोल स्पेस नंबर असं करता येणार नाही. तुम्ही कुठल्याही प्रकारचा स्टार स्पेशल सिम्बॉल वापरू शकत नाही. अंडरस्कोर जो आहे तो घेऊ शकता, फक्त अंडरस्कोर, दुसरा काही घेऊ शकत नाही. रोल नंबर असं घ्यायचं आणि मिनिंगफुल असलं पाहिजे. जर का तुम्ही सॅलरीचा डेटा स्टोअर करत असणार तर तुम्ही काय लिहिणार? तिथे सॅलरीज लिहिणार. मी जसं एबी बी के जे असं लिहायचं नाही, एबीसीडी लिहायचं नाही. आतापासूनच सुरुवातीपासूनच चुकीचं कोडिंग करायची नाही. फॉर एक्झाम्पल जर का तुम्हाला दोन नंबरचं ऍडिशन सांगितलं तर तिथे काय लिहायचं? नंबर वन वन अँड नंबर टू. ऍडिशन करत आहोत म्हणजे सम करत आहोत किंवा टोटल करत आहोत, तर असेच व्हेरिएबलचे नावं जे आहेत तुम्हाला घ्यायचं आहे. म्हणजे जो टाइप जो डेटा स्टोअर करताय, रोल नंबर असेल तर रोल नंबर, अमाऊंट असेल तर अमाऊंट, सॅलरी असेल तर सॅलरी, तोच घ्यायचा आहे. दुसरा घ्यायचा आहे का तुम्हाला? नाही, बिलकुल घ्यायचं नाही. मस्ट कोडिंग क्वालिटी जी आहे रीड केल्याच्या नंतर. आणि क्लासचं नाव काय घ्यायचंय? जर क्लास तुम्हाला दोन नंबरची ऍडिशन करायचं असेल तर क्लासचं नाव काय आहे? ऍडिशन. पर्पज काय आहे तुमचा? तेच क्लासचं नाव. क्लासच्या नावाचं लेटर जे आहे ते काय चालू कसं असलं पाहिजे? कॅपिटलने सुरू झालं पाहिजे. क्लास नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ द कॅपिटल, बट व्हेरिएबल अँड मेथड नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ द लोअर केस. फाईलचं नाव सेव्ह करताना सुद्धा लक्षात ठेवा. मी इथे नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करतो. नेक्स्ट मी इथे कोड लिहून देतोय तुम्हाला आपापल्या वहीमध्ये. जस्ट लिहून घ्या तुम्ही, किंवा लक्षात राहत असेल तर ठीक आहे, नसेल राहत तरी ठीक आहे. तुम्ही पाहू शकता बाईट, ठीक आहे. के इक्वल टू 10 मी इथे बाईट रोल नंबर देतो. ठीक आहे, रोल नंबर 1 2 3
मॅक्सिमम आणि मिनिमम साईज जर बाईटची जर तुम्हाला डिस्प्ले करायची असेल तर तुम्हाला लिहावं लागेल सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बाईट बाईट डॉट मीन व्हॅल्यू अंडरस्कोर व्हॅल्यू प्लस मॅक्स जो असेल तो मॅक्स मध्ये बाईट डॉट मॅक्स व्हॅल्यू. मिनिमम व्हॅल्यू शो करण्यासाठी काय लिहायचं? बी कॅपिटल बाईट डॉट मीन व्हॅल्यू. आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू साठी काय लिहायचं? सॉरी, मी इथे मीनच परत केलेलं आहे. इथे काय लिहायचंय? मॅक्स. मॅक्सिमम व्हॅल्यू डिस्प्ले करण्यासाठी काय करायचं? मॅक्स व्हॅल्यू बाईट डॉट मॅक्स व्हॅल्यू. आणि मिनिमम व्हॅल्यू साठी काय? बाईट डॉट मीन व्हॅल्यू. आपापल्या सिस्टीम वर जायचं. हा, व्हॅल्यू टाकायला लागेल? ऑटोमॅटिकली येणार ती व्हॅल्यू. कौन से डेटा टाइप की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू के लिए यह आ जाएगा. तो आपको ये प्रोग्राम करना है जहाँ पे आप सिस्टम में जाओगे और हाँ हाँ आत मध्ये असणार, जास्त नसणार आहे. जास्त गेले की लगेच एरर देणार. टाकून पा, करून पा. तो आपको ये सारा इस्तेमाल करके डिस्प्ले करना है. अपने अपने सिस्टम पे जाना है. ये सिर्फ नोट डाउन करो, ये इतना ड्रॉ करो ये वाला पोर्शन ड्रॉ करो और कोड अपने अपने सिस्टम पे जाके बैठ के करो. ठीक है रोहिणी, तुम्ही तुमच्या सिस्टम वर कोड करा. तुम्ही पण कोड करून घ्या वर्षा आणि हे स्वप्नील सर. हा तर आपण आधीच केलेला आहे ना? हा ठीक आहे, मग चालेल, काय हरकत नाही. हा केला असेल तर ठीक आहे.